सब्सक्राइब करें जॉब सर्च टुडे को, और जॉब रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं जॉब सर्च टुडे, जहां आपको जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये यूपी गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ है, जिसमें डिप्लोमा भी किसी ब्रांच के लोग भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि इसे कैसे अप्लाई करना है, उसके क्या क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले हम लोग यूपी UPSSC.gov.in ओपन कर लीजिए। इसके बाद आप इसके फर्स्ट लिंक में आ जाइए। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे सो यहाँ पर आपको नोटिस बोर्ड शो करेगा, इसमें आप एडवर्टीजमेंट नंबर 4 ओपन कर लीजिए। अगर आपको एडवर्टीजमेंट नंबर 4 नहीं मिलता है सो आप स्लाइड कर सकते हैं ऊपर नीचे, और एडवर्टीजमेंट नंबर 4 ओपन कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर सारा क्राइटेरिया मैं आपको दिखाता हूँ। तो जस्ट दोस्तों देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन विभाग। तो दोस्तों यहाँ पर ये हिंदी में दिखा, मैं इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको शॉर्टकट में बताता हूँ कि कैसे क्या है। इसको जो अप्लाई करना है वो 30/10 से, और जो पेमेंट है इसका 30/10 से स्टार्ट होगा और लास्ट है इसका 30/11 तक। तो ये तो हो गया आपको लास्ट डेट आपका और अप्लाई करने का डेट 30 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक है। आवेदन में संशोधन मतलब कि एडिट, आवेदन में एडिट मतलब एप्लीकेशन में आप जो एडिट होता है उसको आप 7/12 तक कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसमें दिया हुआ है, यहाँ देखिए इलेक्ट्रिकल में 148 सीट है, सिविल में 982 है, एग्रीकल्चर वाटर हार्वेस्टिंग 111, उसके बाद करेंसी ओवरसियर 6, अवर अभियंता विद्युत मतलब कि जूनियर इंजीनियर इसका 7 है, एग्रीकल्चर का 129, दूरदर्शन 1, ऑटोमोबाइल 1, विद्युत अवर अभियंता ये भी इंजीनियर का है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का 7, फोरमैन का 1, ऐसे करके दिया हुआ है। यहाँ देखिए कंप्यूटर का 4 दिया हुआ है, मतलब टोटल 1477 यहाँ पर दिया हुआ है। फिर आगे ये को कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन करना है आपको, फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है और उसके बाद अपना सारा डिटेल भरना है। अगर फी आपको पेमेंट करना होगा तो आप करिए, अगर एग्जाम होगा तो एग्जाम। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं फी पेमेंट करना है या नहीं करना है। फिर आपको प्रिंट आउट ले लेना है। सो उसका क्राइटेरिया है कि मैं आपको इसका जो लिंक है मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लीजिएगा, चाहे आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। सो आपको पूरा भर लेना है, उसके बाद सबमिट करना है। आपको फोटो जो है कलर होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, और यहाँ पर दिया हुआ है 35 मिलीमीटर मतलब 4.4x1.75 होना चाहिए, जो कि JPEG और JPE में होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये तो था कुछ इन्फॉर्मेशन। उसके बाद फी का देखिए आप लोग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से आप यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। सो पेमेंट आपको कितना करना है वो भी आपको दिखा देता हूँ। जनरल 200+25 रुपीज़ ऑनलाइन प्रोसीजर का जो पेमेंट है वो है मतलब 225 टोटल, ओबीसी 225, एससी 105, एसटी 105, एंड जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनको 25 पेमेंट देना है। उसके बाद फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है फ्यूचर मतलब पर्पस के लिए, और यहाँ पर कुछ दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आप 7/12 तक जिसे मैंने बताया एडिट कर सकते हैं, ये उसका दिया हुआ है। फिर यहाँ पर दिया कितना ग्रेड पे मिलेगा, तो सबका अलग अलग है। यहाँ देखिए 9300 से 34800 तक है। तो यहाँ पे अपना ब्रांच वाइज देख लीजिएगा,
लगभग पेमेंट सबका सेम है। यहाँ पर एज में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, जैसे यहाँ से 21 से 40 है, यहाँ 18 से 40 है, ऐसे करके यहाँ पर, और पोस्ट में, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। तो यहाँ पे अपना ब्रांच वाइज देख लीजिएगा, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्टकट बता रहा हूँ। उसके बाद ये है आरक्षण के लिए। तो आरक्षण जो है, मतलब कि रिजर्वेशन दिया हुआ है फ्रीडम फाइटर्स के लिए 2, हैंडीकैप 4, फीमेल के लिए 22 और आर्मी पर्सनल्स के लिए 5, ऐसे करके दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये भी आप देख लीजिएगा। तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये भी इन्फॉर्मेशन है आपको, क्या मतलब कि आपका जो एजुकेशन होना चाहिए कहाँ से होना चाहिए। तो सब ब्रांच वाइज दिया हुआ है कि आपको AICTE अप्रूव्ड कॉलेज होना चाहिए या कहाँ से होना चाहिए, वो सारे यहाँ पे हैं। तो अपना देख लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद ये सारे इंफॉर्मेशन आपको दिए हुए हैं। तो जो मेन इन्फॉर्मेशन था वो मैं आपको दे चुका हूँ। यहाँ पर ये कुछ फॉर्म्स दिए हुए हैं, ये आपको फिलअप करके देना है। तो जो मेन इन्फॉर्मेशन था वो अब तक पहुँच चुका है, मैंने आपको बता दिया मेन इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। और एक बात दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसमें ज़्यादातर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इसमें यूपी बोर्ड से ही आप डिप्लोमा पास करेंगे वही कंसिडर किया जाएगा। अगर आप किसी और स्टेट से किए होंगे तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे पोस्ट है इसमें जिसमें बाहर से भी अगर आप किए हैं तो उसमें भी आपको एंट्री मिल जाएगी। तो एक बार आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और फॉर्म अप्लाई करने के लिए 30 तारीख को लिंक ओपन हो जाएगा, सो वहां से आप फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके मुझे बताएं, साथ ही साथ मेरे चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकें। और कोई फीडबैक, कोई सजेशन या कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट अभी करें ताकि मैं इसको क्लियर कर सकूँ, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा इसका एडवर्टीजमेंट था। मुझे पता है आपको कोई कन्फ्यूजन ज़रूर होगा, तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो रेड कलर का जो नीचे बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दें, उसके बगल में जो बेल दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोस जॉब रिलेटेड डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार।